कॉलेज रिव्यू की इस सीरीज में आज हम हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि कोलकाता में एस्टैब्लिश्ड है इसकी रिव्यू करेंगे। साथ ही साथ ये देखेंगे कि क्या ये कॉलेज आपके लिए वर्थ इट है या नहीं है। आज इस वीडियो में इस कॉलेज की रिव्यू करते हुए हम जो मेजर कंटेंट्स कैरी करेंगे वो है इस कॉलेज की ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, रेपुटेशन ऑफ द कॉलेज, फी, एवरेज पैकेज, प्लेसमेंट, अक्रेडिटेशन, प्रोज कॉन्स, स्कॉलरशिप एंड द टाइप ऑफ एडमिशन इट एक्सेप्ट। तो गाइस, हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 2001 में कोलकाता में इस्टेब्लिश्ड हुई थी, तो इस हिसाब से ये कॉलेज आज 2020 में 19 ईयर्स ओल्ड हो चुकी है। इस वजह से इस कॉलेज को हम ओल्ड की कैटेगरी में डाल सकते हैं एंड एज वी नो कि जो कॉलेज जितनी ही ओल्ड होती है उसे हम उतनी रेप्यूटेड कॉलेज मानते हैं। नाउ अब अगर हम इस कॉलेज की रेप्यूटेशन की बात करें तो ये कॉलेज AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से अप्रूव्ड है। साथ ही ये कॉलेज ऑटोनोमस भी है, तो ये ऑटोनोमस होना इस कॉलेज का कहीं ना कहीं एक प्रोस में काउंट कर सकते हैं हम इसे। अब अगर इस कॉलेज से मिलने वाली एवरेज पैकेज की बात करें तो इस कॉलेज की एवरेज पैकेज 4 लाख पर एनम की है, वहीं इसके हाईएस्ट पैकेज जो है वो 16 लाख पर एनम के हैं। अब अगर हम इस कॉलेज की फ़ी की बात करें तो इस कॉलेज की फ़ी 1,15,000 रुपीज़ पर ईयर की है, मतलब हर साल आपको 1,50,000 रुपीज़ देने होंगे। तो इस हिसाब से आपके 4 ईयर में नियरली 5 लाख रुपीज़ लग जाते हैं सिर्फ ट्यूशन के। वहीं अगर हॉस्टल को इंक्लूड करके बात करें तो वही नियरली आपके 8-9 लाख रुपीज़ लग जाते हैं 4 ईयर्स में। नाउ अब हमने इसके एवरेज पैकेज देख लिए एंड इस कॉलेज की फ़ी देख लिए, तो इन दोनों से जब हम इसके रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब ROI कैलकुलेट करते हैं तो जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारी निकल के आती है वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है। अब अगर हम इस कॉलेज की एक्रेडिटेशन की बात करें तो ये कॉलेज NBA यानी कि नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन से एक्रेडिटेड है। साथ ही NAC से BEE++ क्रेडिट कॉलेज है ये एंड NIRF रैंक भी होल्ड करती है। इन सारी चीज़ों के होने की वजह से इसकी एक्रेडिटेशन काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अब अगर हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करें यानी कि प्लेसमेंट की बात करें तो इस कॉलेज की प्लेसमेंट काफ़ी डिसेंट है, क्योंकि देखो जितने ही मेजर ब्रांचेज जैसे CS, IT एंड EC के हैं उनकी प्लेसमेंट तो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि 90-95% बच्चे जो है वो प्लेस्ड हो ही जाते हैं। वाइल अगर कोर ब्रांचेज की बात करें तो कोर ब्रांचेज की प्लेसमेंट अच्छी लगती है, बट हाँ वो उतनी अच्छी नहीं जाती है जितनी कि इन ब्रांचेज यानी कि CS, IT एंड EC वालों की लगती है। As like all the private colleges, this college also hold the same reputation in providing job opportunities for tech branches and non-tech branches. Companies like Infosys, IBM, Tech Mahindra, TCS, Accenture, Threads India used to visit the campus and recruit the students in a bulk that is called as mass recruitment. अब अगर हम इस कॉलेज की एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो इस कॉलेज में एडमिशन जो होते हैं वो दो मोड से हो सकते हैं, एक तो JEE मेंस के स्कोर पे होते हैं एंड दूसरे WBJEE मतलब वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपके जितने स्कोर हैं के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एडमिशन मिलते हैं इस कॉलेज के अंदर। अगर आपको इस कॉलेज में CS, IT एंड EC चाहिए तो फिर आपके WBJEE के अंदर जो रैंक है वो नियरली 6000 के अंदर लाई करने चाहिए, तभी जाके आपको ये सारे ब्रांचेस अलॉट हो सकेंगे। वाइल अगर अदर ब्रांचेस की बात करें, अगर मैकेनिकल, सिविल, इन सारे ब्रांचेस के लिए अगर आपके 10000 के अंदर भी रैंक है तो आपको ये कॉलेज अलॉट हो सकती है। नाउ अब अगर हम इस कॉलेज के स्कॉलरशिप्स की बात करें तो वेरियस स्कॉलरशिप्स आर प्रेजेंट फॉर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स। नाउ अगर हम इस कॉलेज की प्रोज की बात करें तो देखो इस कॉलेज के प्रोज ये हैं कि कोलकाता रीजन में, स्पेशली अगर कोलकाता रीजन की बात करें तो ये कॉलेज तीसरे नंबर पे आती है, क्योंकि अगर बच्चे की चॉइस फीलिंग की प्रायोरिटी देखें तो आफ्टर जादवपुर एंड IEM बच्चों की जो प्रायोरिटी होती है वो हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की ही होती है। और साथ ही इसकी दूसरी प्रोज ये है कि पूरे कोलकाता जोन में ये इकलौती ऐसी कॉलेज है जिसकी कैंपस भी बहुत अच्छी है, साथ ही साथ फैकल्टी भी बहुत अच्छे हैं एंड इसमें पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी होती है एंड इसके फ़ी भी काफ़ी अफोर्डेबल कैटेगरी में है। एंड दैट्स वाई हेरिटेज इज़ इन द लिस्ट ऑफ टॉप 5 कॉलेजेस सेलेक्टेड बाय द स्टूडेंट ड्यूरिंग देयर चॉइस फिलिंग फॉर देयर काउंसलिंग प्रोसेस ऑफ WBJEE। अगर इस कॉलेज की कॉन्स की बात करें तो कॉन्स में सबसे पहली कॉन इसकी ये है कि इस कॉलेजेस में बहुत ड्रिंक पैकेज देने वाली कंपनियां विजिट नहीं करती है, साथ ही साथ कोर ब्रांचेस की जो प्लेसमेंट रेशियो है वो काफ़ी कम है। ऑल्सो अपॉर्चुनिटीज़ के मामले में ये कॉलेज थोड़ी पीछे रह जाती है, क्योंकि बच्चों को थोड़े अपॉर्चुनिटीज़ कम मिल पाते हैं यहाँ पे। नाउ एज़ पर आवर पॉलिसी वी यूज टू रेट दिस कॉलेज, सो इफ़ एडुकेशनल एडवाइजरी विल रेट दिस कॉलेज देन दिस कॉलेज इज रेटेड एज 3.9 आउट ऑफ 5।
Now, if educational advisory have to suggest you whether to opt for this college and not, then if you are getting CS, IT and EC branches in this college, then must opt for this college, because this college has all the necessary features, including its average package and corresponding to which the lowest fee. That's why the return of investment of this college is very good. So you opt for this college. And for core branches also, rather than taking admission in any other private college, this college is more better in comparison with other private colleges of same level. So guys, if you like this video, then please subscribe to our channel and press the bell icon so that you will get the notification of our